हे गाइस वेलकम। सो गाइस जैसे आप सभी जानते हैं कि राइट्स की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है 12 जनवरी 2020 को, और हमारे टीम ने सारा ही सिलेबस जो था राइट्स का, एचआर का, तो हमारे टीम ने कोशिश किया था कि जो भी शॉर्ट टाइम में कवर किया जा सके वो इम्पोर्टेंट सारे ही टॉपिक कवर किए गए थे। इवन हमने आपका जो मॉडल पेपर होता है, दो पेपर अवेलेबल नहीं थी, कहीं भी कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं था राइट्स का जूनियर असिस्टेंट का, फिर भी हमारे टीम ने मॉडल पेपर लेके आया और लगभग जो एग्ज़ाम हुए तो हमने सारे ही पैटर्न लगभग अपने पेपर में कराए थे। और एग्ज़ाम आपकी 12 जनवरी को कंप्लीट हो चुकी है, तो आइए पहले मैं आपको फीडबैक दिखाता हूँ जिन्होंने भी हमारे यहाँ से क्लास ली थी, और क्लास लेने के बाद उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आइए जो भी कमेंट आए मैं आपको दिखाता हूँ पहले वो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कमल शर्मा जी ने ये मैसेज किया है, तो कमल शर्मा जी ने लिखा है कि सर कल पेपर हो गया, कुछ क्वेश्चन आए थे सेम, एक वीडियो इसके बना दो कि कितने कटअप जाएगा और कब आएगा रिजल्ट। तो हमने भी अपने तरफ से फीडबैक लिया था, तो हमने देखा और हमने पाया भी कि हमने जो मॉडल पेपर बनाया था वहाँ से इंग्लिश का पैटर्न पूरा डिक्टो सेम था, बिल्कुल डिक्टो सेम, कुछ भी एक भी इधर से उधर नहीं हुई थी, सेम चीज़ सेम तरीके से, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम था। सिमिलर हम लोग ने रीजनिंग की क्लास करवाई थी, हमने करेंट अफेयर आपका करवाया था, ट्रेडिशनल जीके भी करवाया था, तो लगभग हमने, अगर मैं एप्टीट्यूड का पोर्शन छोड़ दूँ क्योंकि ये कॉमन रहती है, इसलिए हम लोग ने उस शॉर्ट टाइम में एप्टीट्यूड को ओमिट कर दिया था कि लगभग वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी क्लासेस नहीं अवेलेबल थे यूट्यूब पे वो सारे क्लासेस हम लोग ने लगवाए थे। तो लगभग जो भी हमने मॉडल पेपर में करवाया था जिस टाइप का, लगभग वहाँ से डिक्टो ही सेम पैटर्न आई थी। दो किसी को नहीं पता है कि कैसा पैटर्न होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ये रेयर होती है, कुछ सालों में एक बार होती है और ना इसका पेपर अवेलेबल होता है, आप नेट पे देखिए कहीं भी यूट्यूब पे देखिए नहीं था, लेकिन जो पेपर आई है, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने भी हमारे वीडियो को फॉलो किया था, तो उन सभी का फीडबैक था कि पेपर का जो पैटर्न था वो सेम था, और जो हम लोग ने कराया था वहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन भी मिले हैं, पैटर्न भी सेम डिक्टो मिले हैं और क्वेश्चन अच्छे थे, और जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं तो जो भी एग्ज़ाम दे के उनका पेपर भी अच्छा हुआ है, लगभग जो हमें फीडबैक मिली हमारे यहाँ से जिन्होंने भी क्लास किया था। तो आशा करता हूँ आप सभी का भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ। तो मैं ज़्यादा आप लोग का टाइम नहीं लूँगा, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पर एक सर्वे कर लें, सर्वे करके हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या अटैम्प्ट हुआ आप लोग का, कितने क्वेश्चन आप लोग ने अटैम्प्ट किया, क्या मार्क्स जा सकते हैं, क्या कटअप हो सकता है, तो इसके ऊपर एक हम लोग वीडियो लाना चाहते हैं और बहुत जन डिमांड भी कर रहे हैं जैसे कि आप कमेंट में भी देख सकते हैं। तो इसी कारण से हम ये वीडियो बना रहे हैं, और सबसे पहले हम कमल शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं अपना फीडबैक देने के लिए, और आप सभी भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसे बंदे हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर दिए। तो आप चाहे तो इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप चाहे तो चैनल डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो जुड़ के शेयर कीजिए कैसा आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, कितना अटैम्प्ट आप लोग ने करेक्ट किया, दो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो क्वेश्चन सभी ने पूरा ही अटैम्प्ट किया होगा, तो आप बताइए हमें, शेयर कीजिए कि आपने कितना करेक्ट अटैम्प्ट किया, कितना आपका एक्यूरेसी अच्छा था, बाद में के अटैम्प्ट तो आप लोग का 125 क्वेश्चन ही होगा, तो हमें बताइए, शेयर कीजिए, और जो भी अपडेट होंगे हम लोग इसी तरह से आपको अपडेट देते रहेंगे राइट्स के रिगार्डिंग, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए कि कुछ भी अपडेट ना आए तो आप लोग को हम लोग डायरेक्ट बता पाए, आपको डायरेक्ट पता चल पाए, आपको कुछ भी ऐसा भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो कि, क्योंकि आपसे भी ज़्यादातर वर्किंग है तो होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाते हैं, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर चीज़ चेक करते रहें, तो एक व्हाट्सएप पर भी आप समझ ही सकते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो यहाँ पे जो भी मैसेज होती है वो जल्दी मिस नहीं होती है, तो जुड़ जाइए यहाँ पे अभी, और यहाँ पे जुड़ने के बाद प्लीज़ शेयर कीजिए कैसा था एग्ज़ाम आप लोग का, और कुछ भी डिटेल्स पूछना हो पूछ सकते हैं डायरेक्ट, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर दिया करेगी, और कुछ भी कह रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।